शनिवार को सर्वोदय महाविद्यालय कुरसैला के प्रांगण में महाविद्यालय के सचिव विनोद राज झा की अध्यक्षता में महाविद्यालय प्रबंधक समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रबंधक समिति के सदस्य तथा इलाके के गणमान्य लोग उपस्थित थे। महाविद्यालय में हो रही राजनीति को दूर करने पर चर्चा की जा रही थी। बैठक में महाविद्यालय का भविष्य तथा इसके विकास के विषय पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी ओर गांधी आश्रम में पूर्व सांसद नरेश यादव की अध्यक्षता में कॉलेज के प्रबंधक समिति को लेकर बैठक की जा रही थी। महाविद्यालय में बैठक के दौरान पूर्व सांसद नरेश यादव के अगुवाई में दर्जनों समर्थक विद्यालय में आकर चल रहे बैठक के बीच आ पहुंचे। दोनों पक्षों में नोक झोंक तूतू मैं में शुरू हो गई। रुक रुक कर बात इतनी बढ़ जाती थी कि दोनों पक्षों द्वारा हाथापाई की भी नौबत आ गई। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। लगभग 3 घंटे तक विवाद चलता रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने कॉलेज में हो रहे वाद विवाद को लेकर कॉलेज को राजनीति का अड्डा बताया। कई लोग कह रहे थे कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें विद्यालय का राजनीतिकरण नहीं चाहिए, और कहा कि यह शिक्षा का मंदिर है, इसे राजनीति का मंच या अखाड़ा मत बनाएं। पूर्व सांसद नरेश यादव द्वारा तथा प्रबंधक समिति द्वारा कॉलेज चलाने का दावा पेश किया जा रहा था। दूसरी ओर विनोद राज झा द्वारा कॉलेज के निर्माण तथा प्रबंधन समिति के संचालन का दावा पेश किया जा रहा था। विनोद राज झा ने कहा कि महाविद्यालय की जमीन दाता बोकू शाह एवं गोविंद शाह द्वारा 7 एकड़ जमीन महाविद्यालय के नाम पर दिया गया, जबकि कॉलेज 2.5 एकड़ में है। कॉलेज के 5 एकड़ जमीन का उपयोग पूर्व सांसद नरेश यादव निजी लाभ के लिए कर रहे हैं। महाविद्यालय प्रबंधक समिति का कहना था कि कॉलेज को 5 एकड़ जमीन पूर्व सांसद वापस कर दे। आज की जो सर्वोदय कॉलेज में बैठक थी, किस विषय में थी और बैठक के दरमियान क्या क्या हुआ और इसका निष्कर्ष क्या निकला, संक्षिप्त में बताएं। सर्वोदय कॉलेज में जो बैठक थी वो पूर्व सांसद नरेश यादव जी के द्वारा कॉलेज पर जबरन कब्जा करने के सिलसिले में था। हम लोगों ने यहाँ पर इस कॉलेज का निर्माण किया है, उनका कोई योगदान कॉलेज के निर्माण में नहीं है। उल्टे 31 साल से उन्होंने कॉलेज की जमीन अपने पास रखकर कब्जा करके उसका सारा राजस्व उन्होंने गबन किया है। हम लोगों ने उसके गबन के आरोप में पूर्व सांसद महोदय को कमिटी की प्रारंभिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया है। इसलिए उन्होंने एक फर्जी कमेटी बनाकर इस कॉलेज के कमेटी को अपने तरफ से उन्होंने बर्खास्त कर दिया है, जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आज जो बैठक चल रहा था उस बैठक में उन्होंने आके यहाँ पे क्या किया? उन्होंने जबरदस्ती बल प्रयोग करना चाहा, उन्होंने लड़ाई करने की कोशिश की, अपने साथ कुछ असामाजिक तत्व भी लेकर आए थे वो, तो बैठक को भंग कर दिया। कई बार हमारी बैठक में आके उन्होंने हस्तक्षेप किया, बैठक को भंग करने की कोशिश की। हम लोगों ने शालीनता का परिचय दिया, हम लोगों ने उनकी बात सुनी, जितना वो बोले सुने। उन्होंने दानदाता परिवार के सदस्यों को धक्का मुक्की भी की, उनके बॉडीगार्ड ने भी धक्का, हम उस पर आगे मतलब दे चुके हैं, पहले से सूचना हम कलेक्टर को SP को दे चुके हैं कि यहाँ पर पूर्व सांसद अपने गुंडों के साथ आकर गुंडागर्दी कर सकते हैं, और वैसा उन्होंने किया है। आप इस कॉलेज के क्या? मैं इस कॉलेज का सचिव हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ, निर्माण कार्य से के पहले दिन से मैं इसका सचिव हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद राज है। विद्यालय में मीटिंग रखा गया था, ये किस बात की मीटिंग थी और मीटिंग में क्या क्या हुआ, मीटिंग के दौरान क्या हुआ और निष्कर्ष क्या निकला इसका? देखिए, आज जो बैठक रखी गई थी वो कॉलेज को सुरक्षित रखने के लिए था। कुछ लोग फर्जी कमेटी बनाकर और आपराधिक छवि वाले लोगों से साठगांठ करके हमारे जो पूर्व सांसद हैं नरेश यादव, उनके द्वारा ये पूर्व आयोजित थी कि आज कॉलेज में जाना है, उपद्रव मचाना है, जिसकी सूचना हम लोगों ने, आप पता कर लीजिएगा, जिला पदाधिकारी महोदय कटिहार, आरक्षी अधीक्षक महोदय कटिहार, सबको हम लोगों ने दी थी कि इन लोगों का प्लानिंग है कॉलेज में आकर उपद्रव करने का और कॉलेज को बर्बाद करने का। उन्होंने किया और उन्होंने वो किया भी, अपनी पूरे कुनबे पूरे टीम को लाकर यहाँ पर। हम लोगों का जो बैठक था, हम लोग कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए आज बैठक रखे थे, और उस बैठक में आकर उन लोगों ने यहाँ पर उपद्रव मचाया, गाली गलौज किया, धक्का मुक्की किया, बैठक को भंग कर दिया। बैठक में वो लोग जो आए थे उनका क्या कहना था, उनका भी कोई एक उनका कुछ नहीं, उनका कहना यही था कि ये कॉलेज अब बनकर तैयार है, आप लोगों ने बना, लेकिन अब कब्जा मेरा होगा, अब जो हम चाहेंगे वो यहाँ होगा। किस औचित्य से? कुछ नहीं, दबंगे ही है, उनके हाथ में आज तक आश्रम है, कॉलेज की 4 एकड़ जमीन है जो उसके कब्जे में है, हम लोग उसको मुक्त करने की बात करते हैं तो वो कॉलेज पर कब्जा करने की।
आज जो ये सर्वोदय आश्रम में मीटिंग रखा गया था, इस मीटिंग के दरमियान क्या क्या हुआ? आज सर्वोदय डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति की बैठक रखी गई थी, जो प्रबंधन समिति प्रारंभिक अवस्था में निर्माण कर इस कॉलेज का निर्माण कराया है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ पर 3 साल का फर्स्ट फेज में अस्थायी संबंधन मिला था, और कुछ आधारभूत संरचना की कमी होने के कारण और बिहार सरकार के निर्णय के कारण वो अस्थायी संबंधन रद्द हो गया। उसके लिए हम लोग हाईकोर्ट में भी अपील किए थे। उसी परिचर्चा पर, विकास की परिचर्चा पर, और कुछ देखने का अधूरा मकान बना हुआ उसकी ढलैया करनी है, उस ढलैया को लेकर के बैठक चल रही थी। और उसी बैठक के दरमियान में जो है सर्वोदय आश्रम के तथाकथित अध्यक्ष नरेश यादव एक अलग से कमेटी गठन करके कॉलेज को बर्बाद करने के ख्याल से, नस्ताबूत करने के ख्याल से, इस कॉलेज को बंद करने के ख्याल से वो लोग आए और विवाद करने का कोशिश करने लगे। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, सभी लोग प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने समझाया कि बात क्या है, पहले वो बात रखी जाए, आखिर इस तरह का माहौल क्यों बना, बर्बाद किया जा रहा है, इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। इस कॉलेज कैंपस है, यहाँ पर छात्रों और छात्राओं को विद्या दिया जाता है, और इस कॉलेज को राजनीतिक अड्डा नहीं बनाना चाहिए। जो बात है वो कॉलेज की प्रबंधन समिति में आप रखिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कॉलेज का जो है हम लोग प्रबंधन समिति को भंग कर दिए। हम बोले इस तरह का पावर आपको किसने दिया कि आपने भंग कर दिया? बोला कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, हम लोग कॉलेज को भंग कर दिए। हम लोग भी लगे, कुछ वाद विवाद हुआ, फिर यहाँ पे बैठक हुआ, और बैठक में ये निर्णय हुआ जो प्रबंधन समिति की जो पुरानी टीम है वो मजबूती से है, वो काम कर रही है। आप देख रहे हैं कॉलेज का निर्माण, ये 3 मंजिला मकान है, वहाँ पे 10 कमरे का अलग से बन रहा है, और एक तरह का सामाजिक चंदा भी कहीं नहीं हुआ, और ना ही कोई सरकारी फंड अभी तक इस कॉलेज में लगा है। ये अथक प्रयास है कॉलेज कमेटी का, उन्होंने अपने माध्यम से इस तरह का निर्माण करा पाया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीतिक से प्रेरित होकर इस कॉलेज को टारगेट किया है, इस कॉलेज को बंद कराना चाहते हैं। उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, ये कॉलेज विद्या यहाँ पे दिया जाता है, और यहीं से जो है डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS लोग बनते हैं। इसलिए जो मंशा आपकी है इसको राजनीतिक अड्डा ना बनाएं, और जो सर्वोदय आश्रम की ज़मीन, कॉलेज की ज़मीन को जो आपने कब्जा किया है उसको अतिक्रमण मुक्त करें और उसका हिसाब कॉलेज को दें। इसमें फिर जमीनी विवाद का क्या मामला है? जमीनी विवाद है, कॉलेज के नाम से, सर्वोदय डिग्री कॉलेज के नाम से 7 एकड़ भूमि है। आप देख रहे हैं कि लगभग 2 बीघा पे ही मकान बना हुआ है, और जो शेष जमीन बस्ती है वो सर्वोदय आश्रम के अध्यक्ष नरेश यादव जी ने अतिक्रमित कर रखा है। उन्हीं को बोला गया कि उस जमीन को आप छोड़ दें, कॉलेज को दे दें, कॉलेज अपना निर्माण कार्य उसमें करेगी, या लीज पे लगाकर अपना जो विकास है कॉलेज का, चतुर्मुखी विकास को किया जाएगा। लेकिन वो अतिक्रमण करने से बाज नहीं करना चाह रहे, वो विवाद का माहौल पैदा कर रहे हैं। प्रभुत्व जो आज 30 साल से 40 साल से वो उस पर खेती कर रहे हैं, लीज पे लगा रहे हैं, एकाधिकार बना के रखा है, एक भी ज़मीन का लेखा जोखा नहीं है सर्वोदय कॉलेज के पास। तो इस तरह का विवाद यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, और उसी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आज बैठक भी रखी गई। ये हॉस्पिटल का मामला, ये हाँ, यहाँ पे जो कॉलेज के उस समय जो सर्वोदय आश्रम के भगवान स्वामी थे देख रेख में, उन्होंने कुछ ज़मीन जो है मवेशी अस्पताल के लिए और कुछ अस्पताल के लिए यहाँ पे दे रखा था, वो ज़मीन भी आज अतिक्रमित है। उस ज़मीन का कोई अता पता नहीं है, उसको अतिक्रमण करके सर्वोदय आश्रम के अध्यक्ष नरेश यादव ने रखा है, जिस कारण देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पंचायत में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई मवेशियों का अस्पताल नहीं है। ये बोलता है लीज पे लगा दिया जाता है, लीज पे, हाँ, हर साल लीज पे लगा जाता है, और लीज से 80 मोटी रकम मिलता है उनको, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसका मतलब आप जानते हैं, आप देखे होंगे, कई बार आप आए होंगे सर्वोदय आश्रम में, देख रहे होंगे कि पूरे भारतवर्ष